So, जैसा मैंने अभी आप लोगों को कहा था पिछली वीडियो में कि मैं मैथ्स के कुछ बेसिक्स के साथ आपके साथ आने वाला हूं और कुछ होमवर्क भी आप लोगों को दूंगा। सो, ये वीडियोस उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो विदाउट मैथ्स साइंस कर रहे हैं, और जिनके पास मैथ्स है उनको भी ये फायदा देगी, स्पेशली 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो मैथ्स में धीरे धीरे करके कुछ महीनों बाद कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो मैं कुछ बेसिक्स के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं बेटे क्वाड्रेंट्स। 11th ट्रिग्नोमेट्री में आप मैथ्स में ये टॉपिक उठाएंगे, लेकिन वो बच्चे तो ये टॉपिक उठा ही नहीं पाएंगे जिनके पास मैथ्स है ही नहीं, और जिनके पास है भी तो हो सकता है कि क्योंकि वो सेकंड चैप्टर में या उसके बाद ये डिस्कस कर रहे हो, लेकिन ये बेसिक हमारे पास हर जगह इस्तेमाल होने वाला है फिजिक्स में। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वाड्रेंट्स को। क्वाड्रेंट्स शुरू करने के लिए क्यों ना सबसे पहले बेसिक टर्म पे आते हैं, जो टर्म हम सबको पता है क्या है, एंगल। सर, ये तो बहुत इजी है, हम सभी को पता है। सर, एंगल मतलब कोण, होता क्या है? अगेन बच्चे, मैं डेफिनेशंस पे काम नहीं करने वाला हूं, मैं आपके बेसिक्स पे काम करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि जब हम 12th फिजिक्स या 11th फिजिक्स का कोर्स शुरू करें तो उससे पहले ये हमारे बेस बन चुका हो, हमें पता है कि ओके एग्जैक्टली सर इस बारे में बात कर रहे हैं तो कि ये है क्या, मुझे इसके बारे में सोचना ना पड़े। सो टू बी मोर प्रिसाइज, एक्चुअली मैं अभी एंगल की नहीं, मैं प्लेन एंगल की बात करने वाला हूं। जैसे जैसे अभी आगे चलेंगे फिजिक्स में, आप लोगों के सामने एक टर्म और आएगी, सॉलिड एंगल। तो वो सॉलिड एंगल को हम तब समझेंगे, अभी हम लोग जब अभी तक जितने भी आप एंगल पढ़ते आए हो 10th ट्रिगो तक भी, वो सभी जो एंगल्स है वो कहलाते हैं प्लेन एंगल। ओके, अब एंगल है क्या? मान लो जी एक लाइन है। अब अगर मैं इस लाइन को कुछ इस तरीके से यू घुमाना शुरू कर दूं, लेट से इस पॉइंट के अबाउट, मतलब यहां से फिक्स करा मैंने कील ठोक के और इसको यू आगे यू घुमाना शुरू कर दिया, सो कुछ देर बाद क्या ये लाइन कुछ यहां पर हो, तो मैं कहूंगा इस लाइन ने कुछ ये एंगल कवर किया है, मतलब कितना ये घूमी उसको मैं क्या बोल रहा हूं, एंगल। अगर मैं सर्कुलर सिमेट्री में या सर्कुलर सिस्टम में इसकी बात करूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा। देखिए देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, लेट्स से ये सेंटर है इस सर्कल का, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी जो इसके लिए किसके तरह काम करेगी, रेडियस की तरह। अगर मैं इस आर को लेट्स से कुछ यहां तक ले जाऊं तो ये कुछ एंगल कवर हुआ होगा थीटा, इस आर्क की कुछ लेंथ रही होगी एल। अब ध्यान से सोचो, मैंने इस आर को कितने तक घुमाया, थीटा तक, मतलब अगर मैं इस आर को इस थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाना चाहिए। सो दैट मींस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, जो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला बन जाता है एंगल से रिलेटेड। इस एंगल की जो एस आई यूनिट होगी, दैट एस आई यूनिट विल बी रेडियन। सर, ये एस आई क्या बोल रहे हो? अभी जब हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस या मेजरमेंट्स पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तब मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। अभी फिलहाल आप लोगों को पता होगा, जब फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, दीज आर एस आई यूनिट्स, इंटरनेशनल। अगर मैं फ्रेंच में बोलू तो इट इज सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, सो इट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें हम थीटा को किसमें मेजर कर रहे हैं, रेडियन में। ओके, सो अब सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी तक तो हम लोग डिग्री डिग्री, 10th तक तो सर ने पढ़ा था 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, आप आज रेडियन की बात कर रहे हो। यस, जिस तरीके से आपने डिग्रीज में पढ़ा, अब मैं बता रहा हूं एंगल्स को हम लोग रेडियन में भी मेजर करते हैं, एंड इन फिजिक्स हम लोग मेनली रेडियन में ही बातें करेंगे। तो कैसे अपने पिछले नॉलेज को ही आगे बढ़ाए, तो मतलब डिग्री को रेडियन में बदलना आना चाहिए, तो वो बदलने के लिए एक रिलेशनशिप बनाते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि पूरा सर्कल कवर करने में थीटा कितना होना चाहिए, तो आप सभी को पता है सर ये 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है जी, 360 डिग्री होना चाहिए, और आज जो सीखा उस कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो दिस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एल अपॉन आर। पूरे सर्कल के लिए एल क्या हो जाना चाहिए, 2πr/r, तो आर से आर कैंसिल, क्या बनाइए, 2π radian। दैट मीन्स 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π radian, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 radian।
तो कभी भी आपको डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो आप इजीली उसे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको याद हो। तो आप सोचो, मैं आपको बोलूं सर 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए क्या करोगे आप? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? पाई बाय 6। 45 डिग्री, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 4 रेडियन। सिमिलरली आपने जो वैल्यूज लर्न करी थी 0, 30, 45, 60 एंड 90 इन डिग्रीज, क्या आप उन सभी को रेडियन में बदल सकते हो? तो आपका छोटा सा एक पहला होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, एक छोटी सी टेबल बनाओ जहां पर आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखो एंड इन रेडियंस आप इनकी वैल्यूज फाइंड करो। ओके तो एक छोटा सा, मैंने आपको अगेन मैं वही बात बता रहा हूं, मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं लेकिन वो बातें जरूर पढ़ाने वाला हूं जो मेरे पास फिजिक्स में यूज होने वाली है मैथ्स की। ओके तो हम मैथ्स के कुछ बेसिक्स पे काम करेंगे। ओके सो आई होप कि आपको रेडियन पता चला हो क्या है और डिग्री और रेडियन में रिलेशन पता चला हो। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वाड्रेंट किस बला का नाम है उस पर डिस्कस करते हैं। सो तब तक आप जी पॉज करके जल्दी से होमवर्क कंप्लीट कीजिए। वो टेबल आप लोगों ने, सो वो टेबल बनाने के बाद अब मैं आपको कुछ एक रिमाइंडर दे रहा हूं, कुछ याद दिला रहा हूं। देखिए कुछ याद आया? आप लोगों ने सिर्फ साइन नहीं, आप लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए टेबल बनाई हो और शायद याद भी करी हो। तो मैं आपको एक 2 मिनट और दे रहा हूं, वीडियो को पॉज कीजिए और इस टेबल को एक बार अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए अगर आपको आता है। नहीं आता तो एक बार देखिए जहां भी आपने पढ़ा था और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये टेबल लर्न होनी जरूरी है। ओके सो प्लीज ये काम कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट्स। स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे क्वाड्रेंट्स के साथ। आप देख सकते हो मैंने यहां पर 2 एक्सिस बनाई, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इस पॉइंट ओ पर यह इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। क्या मैं कह सकता हूं इस प्लेन को इन दोनों एक्सिस ने 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है? 4, यही क्वाड। सो इन 4 पार्ट्स के लिए मैंने टर्म यूज करा क्वाड्रेंट्स। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब अब ध्यान से देखो, मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी है ओए। मैंने अभी आपका एंगल के बारे में क्या समझाया कि अगर मैं इस लाइन को ये घुमाना शुरू करूं तो ये कुछ एंगल कवर करता जाएगा। सो दैट मींस कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूं तो ये वैल्यू एंगल की 0 से 90, देन 180, देन 270, देन 360 डिग्री कुछ इस तरीके से चलने वाली है। मैंने जितने भी अभी वैल्यूज बोली डिग्रीज में बोली। ओके सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटे आप लोगों ने अभी जो टेबल रिवाइज करी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज थी। मतलब आपने 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो वैल्यूज हमारे पास सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की होंगी वो सभी आपने फाइंड करी। नाउ व्हाट विल हैपन अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो आप उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? फॉर एग्जांपल साइन 120 डिग्री आ गया, अगर इट इज पॉसिबल कि अगर मेरे पास लाइन कुछ यहां पर हो तो ये एंगल कुछ 120 डिग्री पॉसिबल है। इन दैट केस मेरे पास मैं से ऐसा कुछ सोच सकता हूं। इट माइट बी पॉसिबल कि ये लाइन घूमकर यहां तक आ चुकी हो, इन दैट केस ये एंगल 180 डिग्री टू 270 डिग्री के बीच हो। सो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि 0 टू 360 डिग्री एंड इवन मोर देन दैट अगर कोई एंगल आ जाए तो मैं कैसे उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड कर सकता हूं। अभी मैं सिर्फ आपको यह सिखा रहा हूं कि वैल्यूज फाइंड कैसे करेंगे। ये क्यों सिखा रहा हूं? आगे चल के आपको फिजिक्स में पता चल जाएगा कि ओके यार अगर ये नहीं पता होता तो बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि हम सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है 0 टू 90 डिग्री। हम लोग जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, थीटा की कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए हमें इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करना आना चाहिए कि अगर हमारे पास वैल्यूज 90 डिग्री से बड़ी हुई तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सो उसको फाइंड करने के लिए अब हम कुछ ट्रिक्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम, अब देखा जाए तो बहुत सारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं लेकिन हम फॉर्मूलाज लर्न नहीं करेंगे, हम एक अप्रोच लर्न करेंगे और उस अप्रोच की हेल्प से हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रेशियो का फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं क्या ट्रिक है, क्या अप्रोच है। इस अप्रोच के लिए मैं यहां पर इन दोनों एक्सिस में से
इस एक्सिस को नाम दे दूंगा नो चेंज एक्सिस, और इस एक्सिस को मैं नाम दे दूंगा चेंज एक्सिस। क्या मतलब है अभी समझ आएगा, अभी अप्रोच को समझते जाओ। मैं इस एक्सिस के लिए मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री या 360 डिग्री अगर कहीं पर मेरे पास दिखाई दिया तो मैं नो चेंज करूंगा, मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। चेंज एक्सिस यानी अगर मेरे पास 90 डिग्री या 270 डिग्री दिखाई दिया तो मैं चेंज कर दूंगा। नाउ चेंज कर दूंगा तो किसको किस में चेंज करूंगा, तो मैं यहां पर चेंजिंग पेयर्स लिख रहा हूं। साइन को मैं चेंज करूंगा कॉस में, सेक को मैं चेंज करूंगा कोसेक में, टैन को मैं चेंज करूंगा कॉट में। सो दीज आर चेंजिंग पेयर्स। ओके, सो किस तरीके से इन्हें यूज करना है अभी आपको पता चलेगा। मैंने अभी दो बातें आपको सिखाई, एक दिस इज नो चेंज एक्सिस, दिस इज चेंज एक्सिस, फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच, चेंज होगा अगर तो कौन किस में होगा, साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, तो आपको ये पेयर याद रखना है। एंड थर्ड एंड लास्ट अप्रोच, ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। बहुत सारे लोग आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपको बोलेंगे, वो तो हम सभी करते हैं, कुछ अलग करते हैं। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, टू साइबर कैफे, कुछ भी, टू कॉफी कैफे डे, कहीं भी आप जाना चाहो, लेकिन हम स्कूल के बाद मस्ती करने जाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, फिर मस्ती के बाद हम फिर से बहुत सारी पढ़ाई करेंगे। सो ए स्टैंड्स फॉर ऑल, मींस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव रहने वाली है, जब हमने वैल्यूज कैलकुलेट भी करी है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड इसका रेसिप्रोकल cosec will be positive, third quadrant tan and its reciprocal cot will be positive, in fourth quadrant cos and its reciprocal sec will be positive या secant will be positive। so आपने ये तीन अप्रोच याद करनी है। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, मेरे पास सबसे पहली अप्रोच की x एक्सिस को मैंने नो चेंज एक्सिस लिया, इसको चेंज एक्सिस। दूसरा, अगर चेंज होगा तो चेंजिंग पेयर्स कौन से होंगे, एंड तीसरा, किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहने वाला है और कौन सा नेगेटिव, उसके लिए भी हमने एक अप्रोच याद कर लिया आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ऑल साइन कॉसेक टैन कॉट कॉसेक, ध्यान रहे यहां पर रेसिप्रोकल्स को लेना है। ओके, इनमें और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक बार पॉज करके ये अप्रोच को लर्न कीजिए एंड देन मैं आगे बढ़ता हूं कि ओके अब इस अप्रोच को यूज कैसे करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मेक फॉर्मूला मेकिंग अप्रोच। नोटबुक में कॉपी कर लिया आप लोगों ने, अच्छे से लिख लिया, याद भी हो गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अब उन अप्रोच को यूज करके फॉर्मूलास कैसे बनाने। ये मैंने शुरू के तीन फॉर्मूलास जो लिखे हैं ये हम टेंथ में लर्न कर चुके हैं ट्रिगो में। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, मैं सिर्फ तीन रेशियो के लिए लिख रहा हूं, बाकी तीन के लिए आप सोचोगे। मैं सिर्फ एक अप्रोच सिखा रहा हूं और उसके बाद मैं आपको बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूं, मजा आएगा, होमवर्क बोरिंग नहीं होगा, बिल्कुल कोशिश करेंगे तो ये फॉर्मूलास बनेंगे, खेल होएगा। तो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा कोई फॉर्मूला दिख जाए सबसे पहले इस एंगल को देखना है। क्या लिखा हुआ है, 90 डिग्री लिखा हुआ है। अब इस एंगल को देखने के बाद यह चेक करो कि ये कौन सी एक्सिस पे है, मतलब चेंज एक्सिस पे है या नॉन चेंज पे, नो चेंज एक्सिस कौन सी पे है, 90 डिग्री चेक करो, चेंज एक्सिस यानी साइन का क्या हो जाना चाहिए, सर कॉस हो जाना चाहिए, और जो भी एंगल यहां पर लिखा हुआ है उसको एज इट इज कॉपी कर लो। सो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए सबसे पहले क्या करा, इस एंगल को देखा, चेक करा चेंज है या नो चेंज है, चेंज है तो पेयर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, इस एंगल को एज इट इज उठा के यहां रख दिया। अब चेक करो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सो ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि जो भी रिजल्ट आएगा वो भी मेरे पास क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। चलो ट्राई करते हैं, आप लोग सोचो सबसे पहले किसे देखूं, सर इस एंगल को देखो, चेंज होगा नो चेंज होगा, सर चेंज होगा, कॉस का क्या आ जाना चाहिए, सर साइन आ जाना चाहिए, साइन आ गया, इस एंगल को एज इट इज कॉपी कर दो, कौन सा क्वाड्रेंट है, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सर पॉजिटिव लगा दो, डन। सोचो, बताने की जरूरत थी, कोशिश करो, बहुत इजी है, चलो ट्राई करते हैं,
साइन 90 डिग्री प्लस थीटा 90 है, क्या करूं सर चेंज कर दो कॉस एज इट इज एंगल कॉपी कर दो थीटा, नाउ 90 डिग्री प्लस थीटा यानी चेंज होने के बाद ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल साइन एंड कॉस क्या रहे पॉजिटिव, मतलब कॉस तो क्या होना चाहिए नेगेटिव, तो यहां क्या लगा दूं माइनस लगा दूं कॉस है ना, हाँ माइनस लगा दो सर क्या कर रहे हो माइनस बोल रहे हो प्लस लगा रहे हो बेटे ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम सभी करते हैं। ध्यान से देखो वैल्यू किसके फाइंड कर रहा हूं मैं, साइन 120 डिग्री या साइन 135 डिग्री या साइन 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, मैं साइन की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन देखना है मेरे बच्चे। तो ध्यान रहे चेंज होने के बाद जो आ रहा है उसका साइन नहीं देखना, साइन सिर्फ उसका देखना जिसकी आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए था पॉजिटिव। चलो और ट्राई करते चलो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा 90 डिग्री चेंज होगा नहीं होगा सर होगा साइन थीटा का थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस क्या है सर नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव मत कर देना ये देख के कि सर ये तो साइन है, समझ में आ रही है मेरी बात, मैं वैल्यू किसकी फाइंड कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग साइन देखना है, कौन आया है सॉल्व करके उसके अकॉर्डिंग साइन नहीं देखना। चलो टेन 90 प्लस थीटा सर 90 है चेंज कर दो कॉट थीटा एज इट इज कॉपी 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट सर टेन तो नेगेटिव होने वाला है, क्या मेरी ये बात समझ में आई है सभी को ठीक है। चलो ट्राई करते हैं आगे ना, मैंने आगे बढ़ाया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा 180 डिग्री को देखूंगा चेंज एक्सिस है नो चेंज सर नो चेंज है तो साइन का साइन थीटा एज इट इज कॉपी सर 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट ही है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो क्या रहने वाला है पॉजिटिव। अब एक बात देखो बड़ी इंटरेस्टिंग, जब नो चेंज एक्सिस है तो साइन साइन ही दिख रहा है, आपको कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होने वाली कि यार प्लस लगाना या माइनस, जो एरर हम कर सकते हैं प्लस और माइनस का कि रिजल्ट वाले के अकॉर्डिंग साइन देखना है, एक ह्यूमन एरर हो जाता है कभी कभी। सो बेस्ट वे है कि आप कोशिश करो कि अगर कभी भी वैल्यूज निकाल रहे हो तो आप नो चेंज एक्सिस पर हो। क्या कहना चाहता हूं अभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा जब मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, इसलिए सोचो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा 180 डिग्री सर नो चेंज सर कॉस का कॉस रखो थीटा कॉपी किया, सेकेंड क्वाड्रेंट है कि नहीं है, कॉस क्या होने वाला है सर नेगेटिव होने वाला है माइनस लगा दो कर सकते हो क्या। अब आप लोग ये सोच सकते हो या मैं ही करूं, कोशिश करो आप सभी लोग ये फिल कर सकते हो, यहां पर 180 डिग्री प्लस थीटा है तो किस पे चला जाऊंगा थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी 180 डिग्री नो चेंज तो साइन का साइन थीटा एज इट इज कॉपी 180 डिग्री प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया साइन क्या हो गया नेगेटिव, क्या आप सब लोग ये फिल कर सकते हो। सो जल्दी से इस टेबल को फिल कीजिए, इनफैक्ट सिर्फ इस टेबल को नहीं आप लोग छो रेशियो के लिए छो के लिए छो के लिए और छो के लिए फाइंड कीजिए ओके ट्राई कीजिए। बच्चे आप लोगों ने वो चारों टेबल कंप्लीट करी छो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस के लिए, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा बैक करके आप लोग सुनिए ध्यान से कि मैंने क्या कहा है, फिर भी अगर डाउट आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, वैसे आना नहीं चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक बात आराम से ही बोल रहा हूं जल्दबाजी में कुछ नहीं बोल रहा हूं। सो बेटे मैंने आपके लिए लिखा भी 90 माइनस थीटा के छह फॉर्मूला 90 प्लस थीटा वाले हो गए, ध्यान रहे मैं डिग्री स्किप कर रहा हूं मगर अंडरस्टूड रखेंगे मैं डिग्रीज बोल रहा हूं ओके। देन 180 डिग्री माइनस थीटा एंड 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये चार केसेस मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करे तो इनके छह छह केसेस बनेंगे तो चार गुना छह 24 हो गया, तो 24 फॉर्मूलाज आप लोगों ने बनाने सीख लिए। अब मैं बात करता हूं और भी तो चार केसेस हो सकते हैं, सो आप लोग प्लीज इन छह इन चारों के भी छह छह केसेस बनाए। 270 डिग्री माइनस थीटा देखिए 270 डिग्री है तो ये कौन से केस में होगा नो चेंज और सॉरी चेंज एक्सिस होगा चेंज एक्सिस नो चेंज नो चेंज ओके। सो आप लोग ये टोटल 48 फॉर्मूलाज एक जगह अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, इनको याद नहीं करना है आपको सिर्फ अप्रोच याद रखनी है और उनके बेसिस पर कैसे अब हम फॉर्मूलाज को बनाएंगे वो देखना है, मैं कैसे वैल्यूज को फाइंड करूंगा। अभी हम लोग लिख लिख के कर रहे हैं लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से आप लोग इसे ओरली कर सकते हो, तो प्लीज ये प्रैक्टिस कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।
सो आई होप कि आप सभी को वो अप्रोच समझ में आ गई हो और आप सभी ने वीडियो को पॉज करके वो सारे फॉर्मूलाज बना दिए। अगर नहीं बनाए तो अभी भी टाइम है, वीडियो पॉज कीजिए, घर की गति अपना माल है, जब मर्जी पॉज कीजिए और उन टेबल को वो सारे सारे 48 के 48 फॉर्मूलाज एक बार खुद बना लीजिए, आपको फायदा हो। तो ताकि उसके अकॉर्डिंग अब मैं आपके सामने 12 वैल्यूज फाइंड करने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं साइन 120 डिग्री। मैं लिखूंगा कैसे 120 डिग्री को सर? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री या सर 90 प्लस 30 भी तो लिख सकते हो। यस, मैं दोनों अप्रोच ले सकता हूं, लेकिन मैंने आज लेक्चर के दौरान ही आपको एक बात बताई कि कौन सी वैल्यू को मुझे प्रेफर करना चाहिए। मुझे नो चेंज एक्सिस को प्रेफर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वहां पर माइनस और प्लस का जो एरर होना है उसके चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। तो इसको मैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखूंगा। 180 डिग्री यानी नो चेंज, तो साइन का साइन आ जाएगा, 60 डिग्री बचा हुआ एज इट इज कॉपी हो जाएगा, साइन 60 डिग्री आ गया। 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है याद करो, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा में, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा साइन पॉजिटिव है, मतलब प्लस में साइन 60 डिग्री बना। एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो मेरे पास प्लस रूट 3/2 वैल्यू आ गई। बढ़ते हैं और वैल्यूज करते हैं, जितना वैल्यूज निकालेंगे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। कॉस 135 डिग्री, क्या मैं ऐसे कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकता हूं? लिख देते हैं जी। 180 यानी नो चेंज, यानी कॉस का कॉस आया, 45 डिग्री का 45 डिग्री आया। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है सर, तो मतलब कि माइनस आना चाहिए क्योंकि कॉस तो नेगेटिव होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या आई वैल्यू? माइनस 1/√2। नया है, टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सीख नहीं सकते। अगर प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, इसके साथ खेलोगे, तो आपको ये आप इसमें परफेक्शन ला सकते हो। टैन 150 डिग्री, चलो बिना लिखे करते हैं। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखूंगा। 180 डिग्री यानी नो चेंज, टैन का एज इट इज टैन आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है 150 डिग्री? सेकंड क्वाड्रेंट यानी नेगेटिव में, माइनस टैन 30 डिग्री यानी माइनस 1/√3। बड़े आगे चलो, कॉसेक 210 सोचते हैं। 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं या 270 माइनस 60 लिखो? सर 180 वाला सही है, नो चेंज अगेन। तो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा, कॉसेक का कॉसेक रहा, 30 डिग्री का 30 डिग्री आ गया। लेकिन हम अब कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर गए हैं? सोचो 210 थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक तो माइनस होने वाले है जी, यानी कि ये माइनस में कॉसेक 30 डिग्री आ गया, यानी माइनस में 2 आ गई वैल्यू। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सेक 225 डिग्री को सोचते हैं 180 डिग्री प्लस 45 लिखा, तो मतलब क्या हुआ? सेक एज इट इज आ गया, नो चेंज है क्योंकि 45 डिग्री एज इट इज आ गया, सेक 45 डिग्री हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव होने वाला है, मतलब सेक भी नेगेटिव होने वाला है। तो माइनस में मेरे पास क्या बन गया? सेक 45 डिग्री यानी माइनस में √2। सो आई होप इस अप्रोच के साथ आप मेरे लिए ये 12 की 12 वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक थोड़ी सी अलग उठाते हैं वैल्यू, मेरे को टैन 270 डिग्री को सोचते हैं। अब 270 डिग्री को मैं 270 प्लस 0 या 270 माइनस 0 लिख सकता हूं, या मैं इसको 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख सकता हूं। सो लेट्स से लेट अस, क्योंकि मैंने कहा आपको नो चेंज वाले पे हमेशा फायदा होने वाला है, चलो नो चेंज यूज करते हैं। टैन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिखा, 180 डिग्री यानी नो चेंज एज इट इज आ जाएगा, टैन 90 डिग्री हो गया। 180 प्लस गया हूं मतलब समथिंग में प्लस जा रहा हूं, तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट पे मूव कर रहा हूं मैं थर्ड पे मूव कर रहा हूं, और अगर मैं थर्ड पे मूव कर रहा हूं तो टैन तो पॉजिटिव होने वाला है, प्लस टैन 90 डिग्री इंफिनिटी। सो आई होप कि आपको एक अप्रोच समझ आई। मैंने ये सब थोड़ा जल्दी बोला, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बोला है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको जल्दी जल्दी करो। ओके, जिसको नहीं समझ आ रहा वीडियो को दोबारा चलाए, दोबारा से ये चीजें सुने, जो बातें नहीं समझ आए बार बार रिपीट करें, ये आपका बेनिफिट है यूट्यूब पे। ओके, सो अगर आप पहले ये 12 के वीडियो को पॉज करके इन 12 के 12 की वैल्यूज को सॉल्व करो, देन अब मैं आपको एक प्यारा सा, बहुत प्यारा सा होमवर्क देने वाला हूं। अगर आपकी वो सारी वैल्यूज आप लोगों ने तैयार कर ली है, फाइंड कर ली है, सो अब हम लोग रेडी है एक प्यारे से होमवर्क के लिए। वो बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क है, बहुत मजा आएगा, बहुत फायदा आएगा। बेटे कभी कभी ना लर्निंग फन होता है। एक आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा बच्चे, कि कभी भी ना होमवर्क इस चीज को सोचकर मत किया करो कि यार मेरे से एग्जाम में क्या आएगा। एग्जाम के लिए मत पढ़ो, पढ़ाई करो अपने लिए। कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, ओके यार कितना सीख रहे, एंजॉय करो उस चीज को, ओके यार अभी आ गया,
अपने आप को चैलेंज करो, यही यही खेल है पढ़ाई का। पढ़ाई का के इवन कहीं पर भी अगर आपको लाइफ में सक्सीड करना है तो अपने आप से कंपीट करो, आपको किसी और से कंपीट करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी विनर पैदा हुए मेरे बच्चे, आपको सिर्फ अपने आप को ही और बढ़ाना है, अपने आप को ही और लेवल को इंक्रीज करना है। सो ये रहा आप लोगों का होमवर्क, और ईमानदारी से कीजिएगा बाबू, चेक तो मैं कर नहीं पाऊंगा, अगर आप करोगे तो आपको फायदा होगा। और ऑनेस्टली बता रहा हूं, इस पूरे लेक्चर के बाद आप लोग क्वाड्रेंट्स में कॉन्फिडेंस फील सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आप ये होमवर्क खुद कर लेंगे। सिर्फ मेरी वीडियो को बार बार देखने से आपका कुछ फायदा नहीं होगा। कुछ लोग अगर कहे कि यार मेरी क्लास बार बार अटेंड कर, उससे बहुत फायदा होगा, ना। सेल्फ स्टडी से बड़ा ट्यूटर कोई नहीं है इस दुनिया में। आप हो जो अपने आप को सबसे अच्छा पढ़ा सकते हो, और अगर अभी भी आप इस पे एफर्ट्स कर जाओगे तो आज के बाद आपको किसी से क्वाड्रेंट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये रहा बेटे आपका होमवर्क। मैंने एक छोटी सी प्यारी सी टेबल आपके सामने बनाई। इस टेबल को आपको क्वेश्चन वन है, कंप्लीट दिस टेबल। आपने इसकी सारी वैल्यूज ये फिल करनी है, 0 से लेकर 360 डिग्री तक। मैंने कुछ वैल्यूज यहां पर पुट करी है, एंड सारे 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मैंने यहां पर फिल कर दिए, ठीक है। एंड आपको ये सारे जो कॉलम्स, जो भी बॉक्सेस है हमारे पास, इनको फिल करना है इनके वैल्यू से। कोशिश कीजिएगा कि करेक्ट वैल्यूज हो, ठीक है, ऑब्वियसली गलत कौन भरना चाहेगा। सेकंड क्वेश्चन, अब जब ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगी बच्चे, आप बचपन से आप सीखते आ रहे हो कि अगर मैं आपको कोई एक लाइन की इक्वेशन दे दूं और आपको बोलूं ग्राफ ड्रॉ करो, तो आपको ग्राफ के लिए दो ही चीजें चाहिए होती है, एक वाई की वैल्यूज और एक्स की वैल्यूज। सो अब आपको मैं क्या कह रहा हूं कि लेट्स से साइन थीटा आपके लिए वाई है और थीटा आपके लिए एक्स है, अगर मतलब एक्स एक्सिस पे थीटा को प्लॉट करना है एंड वाई एक्सिस पे अगर आपको साइन थीटा को प्लॉट करना है, तो आपके पास साइन थीटा यानी वाई की वैल्यूज है, एक्स की वैल्यूज है, क्या आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? कोशिश कीजिएगा, अगर ग्राफ पेपर्स हो प्रैक्टिकल फाइल में पीछे होते हैं आपके पास, उनको यूज कर सकते हो। नहीं है तो प्रॉपर स्केल, घर पे खाली बैठे हुए हम लोग स्केल की हेल्प से पेंसिल की हेल्प से प्यारा सा मेजरमेंट के साथ एक डायग्राम बनाइए कि एक बारी में ढंग से बन जाए। आपको इन छो के ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, टाइम लगेगा इसे करने में, लेकिन जब आप इसे कर लोगे, जो लोग 11th में मैथ्स लेने वाले हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के पहले शुरू के 10-12 पेजेस अपने आप समझ में आ गए अगर आपने ये टेबल कंप्लीट करी और ये ग्राफ्स बना ली। एंड इन फ्यूचर जो लोग फिजिक्स परस्यू करने वाले हैं, आगे चलने वाले हैं, उनको बहुत फायदा मिलने वाला है इन 6 ग्राफ्स से, इन ग्राफ्स की शेप, स्पेशली साइन और कोसाइन के ग्राफ की शेप, ये बहुत फायदा देने वाली है। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे आपको चल के हार्मोनिक होता है, कुछ होता है, कुछ पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। अभी फिलहाल इस काम पे रहते हैं, आज हमने मैथ्स की पढ़ाई करी है, क्वाड्रेंट्स को सीखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करना सीखा है। अभी तक हमारी नॉलेज सिर्फ 0 to 90 degree रेस्ट्रिक्टेड थी, अब हम 0 to 360 degree सोच पा रहे हैं, ओके। तो अब हम एबी डिविलियर्स बन गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। सो आई होप, पीछे मार देता हूं, सो आई होप कि अब आप लोग ईमानदारी से इस होमवर्क को कर सकते हैं, ओके। सो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ कुछ और बातें करूंगा, लेकिन वो तभी करने में मजा आएगा बच्चे जब आप ये सब कंप्लीट करके रखोगे। अब फिजिक्स में हर जगह, बहुत जगह ग्राफ्स के बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ बेसिक ग्राफ्स के बारे में बात करूंगा, एंड देन विल मूव टू कैलकुलस पार्ट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो टच में रहिएगा, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो 11th से 12th में गए हैं या जो 11th में आए हैं, इवन जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को साइंस दिलाने की सोच रहे हैं, तो विदाउट मैथ्स या विद मैथ्स जो भी साइंस दिलाने के सोच रहे हैं, वो पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बेसिक वीडियोस को उन बच्चे को जरूर दिखाएं। इनफैक्ट अगर आप भी साथ बैठ के देख सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरीके से समझाया कि आप भी इसे समझ सकते हैं, बशर्ते 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी याद हो, क्योंकि मैंने वो सब डिटेल में डिस्कस नहीं करा, ओके। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो भी कर सकते हो कर दो यार, मुझे इन सब चीजों का नहीं पता, लेकिन जितनों लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, आपका फायदा हो, सभी का फायदा हो। और प्लीज 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 घर पे रहे प्लीज। अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ आपको ये कहा है कि प्लीज रिक्वेस्ट करिए, डोंट फोर्स देम कि वो आप पर कुछ भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़े,
ओके सेफ रहिए बाबू, जैसा माहौल चल रहा है अगर हम सेफ रहेंगे तो ही हम आगे की पढ़ाई कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, अभी तो बहुत लाइफ है, बहुत कुछ करना है, एंड हमारे देश, हमारा देश जीत के दिखाएगा इस सिचुएशन में। एंड इस प्यार के साथ, इस सलाम के साथ मैं आप लोगों से कहता हूं बाय बाय, लव यू ऑल, होमवर्क कर लेना, बाय।